फाइनेंस में इंटरेस्ट है लेकिन किसी दूसरे प्रोफेशन में हो, या फिर करियर ब्रेक लेके वापस आना चाहते हो, या इन जनरल फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो लेकिन कंफ्यूज्ड हो कि फाइनेंस में कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए, वेल हाय, माय नेम इज जैस्मिन एंड मैं दूर करने आई हूँ आपकी ये कंफ्यूजन विद फाइव हाई पेइंग करियर ऑप्शंस इन फाइनेंस. सो द फर्स्ट करियर इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एग्जैक्टली होता क्या है? बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हेल्प करते हैं कंपनीज को टू डील विद देयर फाइनेंशियल्स. उनको एडवाइस करते हैं और एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जैसे कि कैपिटल गेन करना, कैपिटल रेज करना, मर्जर्स और एक्विजिशंस में हेल्प करना एटसेट्रा. अब इसके बाद एक फ्रेशर जो एनुअल सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है दैट इज बिटवीन 6 to 8 lakhs. और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा या अगर आप ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हो तो आपकी सैलरी 1 crore तक भी जा सकती है. और टॉप कंपनीज जैसे कि जेपी मॉर्गन चेस में भी आपको हायर किया जा सकता है. नाउ द नेक्स्ट मोस्ट ल्यूक्रेटिव करियर है फाइनेंशियल मॉडलिंग. अब फाइनेंशियल मॉडलिंग में भी काफी सारी स्ट्रीम्स खुल जाती हैं आपके पास. बट फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिकली होता क्या है कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन को एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना. सो बेसिकली इससे आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल के फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो यूजिंग सम अजम्पशंस. अब फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो मॉडल बनता है वो यूजुअली एक्सेल पे बनता है. सो प्लीज रिमेम्बर कि आप अपने एक्सेल की स्किल्स को ब्रश अप करते रहो और अप टू डेट रहो एक्सेल की जितने भी अपडेट्स हैं, नए फॉर्मूलाज हैं उन सब से. अब इसकी जो एवरेज सैलरी है जो एक फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकता है दैट इज बिटवीन 4 to 6 lakhs पर एनम. एंड जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हो, जैसे जैसे आपका रोल बढ़ता जाता है, उसमें यू कैन एक्सपेक्ट अप टू ₹25 lakhs. अब इस फाइनेंशियल मॉडलिंग में घुसने के बाद आपको जो फाइनेंस कंपनीज हैं, टॉप की फाइनेंस कंपनीज जैसे कि जो बिग फोर है इंडिया में, डेलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, इन सब में भी बहुत आराम से जॉब मिल सकती है. सो द नेक्स्ट करियर ऑप्शन दैट आई हैव फॉर यू इज सीएफए. आई एम प्रीटी श्योर सीएफए तो आप लोगों ने सबने सुना ही होगा. बट सीएफए होता क्या और करता क्या है? सीएफए इज बेसिकली चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. और ये एक प्रोफेशनल डिजाइनेशन है, एक सर्टिफिकेशन होता है जो कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को दिया जाता है. अब बेसिकली एक सीएफए का काम क्या होता है? सीएफए जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस करता है मार्केट की, कंपनी की, इकोनॉमी की, और फिर वो देखता है कि इस कंपनी के जो बॉन्ड्स हैं, जो एसेट्स हैं, वो अच्छे हैं या नहीं है, और कंपनी को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना एटसेट्रा. यू गेट द पॉइंट, राइट? अब ये जो सीएफए की डेजिग्नेशन है ये सीएफए इंस्टीट्यूट ही देता है. एंड टू गेट दिस डेजिग्नेशन यू हैव टू पास एन एग्जाम विद 3 levels जिसमें सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एथिक्स एटसेट्रा. अब एक सीएफए की जो एंट्री लेवल सैलरी जो वो एक्सपेक्ट कर सकता है वो होती है 6 to 12 lakh पर एनम. और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपके स्किल्स होन होते जाते हैं, वैसे वैसे यू कैन एक्सपेक्ट द इनकम टू गो अप टू 25 lakhs पर एनम. So the next career option that I have for you is FRM, which is the Financial Risk Manager. अब ये basically एक designation है जो कि एक professional certificate के द्वारा acquire की जाती है. And it is given by GARP, which is the Global Association of Risk Professionals. अब इसे acquire करने के लिए you have to pass 2 exams. And जिसमें topics होते हैं जैसे कि risk models और risk analysis and market risk, credit risk. All these topics are included in these exams. एंड एज द नेम सजेस्ट बेसिकली इसमें फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है उस पर फोकस होता है. अब इस डेजिग्नेशन को एक्वायर करने के बाद एक एंट्री लेवल रिस्क मैनेजर कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है? ऑन एवरेज इट्स बिटवीन 6 to 12 lakhs पर एनम. एंड जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे यू कैन गेन अप टू 25 lakhs पर एनम. नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट करियर ऑप्शन आई हैव फॉर यू इज सीएफपी, यानी कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर. नाउ दिस इज एन एक्सट्रीमली ल्यूक्रेटिव करियर, बहुत हाई पेड है ये. एंड इसमें मेन जॉब क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, फाइनेंसिस को प्लान करना. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वेल्दी मैन है बहुत ज्यादा, उसके फाइनेंसिस को कौन प्लान करेगा? बेसिकली उसका रिटायरमेंट प्लान कौन बनाएगा? उसके एसेट्स कहाँ इन्वेस्ट करने हैं वो कौन बताएगा? कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करना है, क्या चीज खरीदनी है, क्या चीज नहीं खरीदनी, वो सब कौन बताएगा? एक सीएफपी. अब एक एंट्री लेवल सीएफपी क्या एक्सपेक्ट कर सकता है एवरेज सैलरी? 6 to 12 lakhs पर एनम. और जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपके स्किल्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 30 lakhs पर एनम. सीएफपी करके बड़ी कंपनीज, जो बड़ी फाइनेंस कंपनीज है जैसे कि बजाज फिनसर्व, आदित्य बिरला कैपिटल, इन सब में आपको बहुत आराम से जॉब मिल सकती है विद अ वेरी हैंडसम सैलरी. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. और आपका टाइम और एफर्ट बचाने के लिए मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं.
हैं, जिन जिन कोर्सेज का आप जहाँ जिस अच्छे प्लेटफॉर्म से बेस्ट प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, सो गो चेक देम आउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। टिल देन बाय बाय।